अरे जीजा जी, आज आप हाथ पैर छोड़कर पेपर क्यों काट रहे हैं? लो, इस अखबार में खबर छपी है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को सिर्फ इस वजह से तलाक दी क्योंकि रोजाना वो उसकी जेब टटोलती है। लेकिन आप क्या करोगे इसका? मैं इसे अपनी जेब में रखूंगा ताकि तुम्हारी दीदी को सबक मिले। ओ, भूल जाओ भूल जाओ, दीदी आप पहले जैसी नहीं रही। अच्छा, नया रूप देखोगे ना तो डर जाओगे। शर्लॉक होम्स नहीं, शर्लॉक होम्स। Who cares? गुल्लू द उल्लू। What suspense? Oh, what intrigue? लच्छू डार्लिंग, क्या है? अरे क्या है कि बच्ची, तुम पढ़ क्या रही हो? जासूसी नॉवल, हलवाई दी लाश। अरे ये सब वाहियात चीजें तुमको पढ़ने को कहा किसने? टाइम वेस्ट कर रही हो इन किताबों में। नहीं, गुल्लू ने मुझे कहा था डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने से दिमाग तेज होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए दिमाग का होना जरूरी है ना। आजकल मैं शर्लॉक गोम्स बन गई हूँ। शर्लॉक गोम्स नहीं, लच्छू शर्लॉक होम्स। हाँ वही वही, शर्लॉक होम्स। इसीलिए ऐसी किताबें पढ़कर आजकल तुम मेरी जेबें टटोलती हो? है क्यों नहीं, मर्दों पर नजर रखनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा है दुनिया में 90% मर्द बेवफा होते हैं। हाँ करेक्ट है, लेकिन मेरा शुमार तो उन 10% में होता है ना। और वो 10% झूठे होते हैं। तो तुमने ये सब वाहियात किताबें पढ़कर तुम्हारे दिमाग में वहम घुस गया है। अच्छा, हाँ। तो ये क्या है? ये तुम्हारा बुकमार्क है। ये विजिटिंग कार्ड है। मिस रोशन, इवेंट मैनेजर। कौन है ये रोशन जिसका कार्ड तुम कलेजे से लगा के घूमते हो? मैं किसी रोशन मोशन को नहीं जानता लच्छू डार्लिंग, किसी रोशन मोशन को नहीं जानता। अच्छा, लेकिन ये कार्ड तो तुम्हारे जेब से बरामद हुआ था। अभी होगा, मुझे क्या मालूम कौन रोशन है, मेरी कोई पेशेंट भी हो सकती है। मैं क्या सबके नाम अते पते याद रखता फिरता हूँ? डोंट वरी, नो आई वोंट। मैं अपने जासूसी दिमाग से पता लगा कर रहूंगी। और अगर ऐसी वैसी बात है तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी खैर मनाओ, अपनी खैर मनाओ। कल वो हमारे डीन है ना, डॉक्टर दस्तूर, उनको मैंने तुम्हारे हाथ के बने मलाई के कोफ्ते खिला दिए थे, तो इतने इंप्रेस हो गए, तुम्हारे फैन हो गए, कहने लगे डॉक्टर राज अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं तो तुमको कोई एतराज है? मैंने कहा सर ऑन द कॉन्ट्ररी, ये मेरा प्लेजर, आई विल बी ऑनर्ड। तो बस आज शाम को यहाँ पर आ रहे हैं तुमसे मिलने। बात मत बदलो। नहीं, कौन है ये रोशन? अरे मैं क्या जानता हूँ कोई रोशन, ये देखो घड़ी घड़ी काम देखे। एक मिनट, फोन। हेलो, कौन रोशन? हाँ बोलो रोशन। अरे रोशन कौन रोशन? हाँ नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। राज हलवाई दी लाश। गुल्लू, क्या हुआ गुल्लू? दीदी मैं सोच रहा हूं अगर इस दुनिया में एक भी बेवकूफ न रहे तो कितना मजा आएगा। गुल्लू हमेशा अपने बारे में बुरा मत सोचा कर। हमारे बारे में? अच्छा अच्छा, ये कार्ड रख, इस रोशन की पूरी छानबीन करनी है। दीदी मुझे भी इस कार्ड से लफड़े की बू आ रही है। सही पहचाना। देख मैं मार्केट जा रही हूँ, तू गुड्डी को तैयार करके रख। रोशन, ये रो क्या जीजाजी मेरे लिए लड़की तो ढूंढ नहीं रहे? एक्सक्यूज मी, ये भिखारी कहाँ से आए? अंग्रेजी लग रहे हैं। डॉक्टर सेठी अंदर में है? अंदर में है लेकिन बाहर में जाने वाले हैं। बाहर जाने वाले हैं। लेकिन आप कौन हैं? आई एम व्हाट? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज माय नेम? आई एम आस्किंग यू व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज माय नेम? ये तो हमसे भी गैल है। देखो आपका नाम क्या है, माता पिता ने नाम रखा है? व्हाट? व्हाट इज माय नेम? व्हाट हमारा नाम है? अच्छा, हम पेंटर है। मेरे जहेज में आया हुआ दागिना है। लोगों के जहेज में कबाड़ पलंग आते हैं ना, ये मेरे जहेज में आया हुआ है। डॉक्टर सेठी एक प्रॉब्लम है। हम थोड़ा दिन पहले माधुरी का फैन हो गया था। मेरे जैसा? उसका हम बहुत बड़ा बड़ा पिक्चर बनाया और एक बहुत बड़ा आर्ट गैलरी बाड़े पर लेकर पिक्चर्स का एग्जीबिशन किया। फिर कुछ बिका?
अमर घर बिक गया। क्या हुआ अभी? क्या है, हम बहुत खड़का है। कड़का कड़का हम है, तुम टेंशन मत लो। अभी हम बहुत कड़का है, हम थोड़े दिन इधर में तुम्हारे घर में रहने को मांगता है। मेरे घर में yes. वाट लगी। नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो हमारा गेस्ट रूम है ना गुल्लू, ये वहीं पर रहेंगे। ओके हमारा घर का अरेंजमेंट होगा, हम चल जाएंगे। जी अगर ये अपने घर में रहेंगे ना तो अपनी दीवारें इनके कुर्ते की तरह हो जाएगी। खामोश। ओके थैंक यू। डॉक्टर राज। हेलो, आप यहाँ हैं? अरे यार तुम्हारी स्पीड देखो बोलने की रोशन, और तुम यहाँ पर कैसे? हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे हुश हुश, तुम यार सारा सस्पेंस तोड़ दोगी, यहाँ पर किसी को मालूम नहीं कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। यहाँ पर आ, अब बोलो। हाँ, मैंने आपकी मैरिज एनिवर्सरी पार्टी का एक बढ़िया सा प्लान बनाया है। यू आर सो स्वीट रोशन, सो स्वीट। हाँ, और मैंने वो मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी एक स्टीमर पर ऑर्गेनाइज की है। क्या बात है। एंड स्टीमर इज वेरी चीप, यू नो, ओनली 200 रुपीज पर। अरे यू आर सो लवली, आई लव यू, आई लव यू रोशन, आई लव यू। जीजा जी ने लड़की का हाथ पकड़ा, जीजा जी का लपड़ा। आज की ताजा खबर, अगले महीने उल्लू हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों की? दीदी लक्ष्मी को मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, और वो पूरा पार्टी का अरेंजमेंट जो है वो रोशन कर रही है। अच्छा। जीजा जी मेरा भी इनके साथ अरेंजमेंट कर दो ना। आईने में थोबड़ा देखा है क्या कभी? और देखो लक्ष्मी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, रिमेम्बर दिस। डॉक्टर राज, yes. राज को राज रहना है तो मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा। ब्लैकमेल? ठीक है गुल्लू, अगर मैं तुमको 100 रुपया दे भी दूं, ये 100 रुपया तो तुम इसका क्या करोगे? पहले मैं गिन लूंगा, आप पे विश्वास नहीं है। हेलो मॉडलिंग एजेंसी, हाँ जिमी हियर, टिमी हियर। हम एक मॉडल का वास्ते ऑर्डर किया था, वो अभी तक इधर नहीं आया है। क्या बोलो, निकल गया? ओ वेरी गुड। अच्छा देखो, जूना वाला मॉडल नहीं भेजा है ना, हमको अच्छे वाला नवा मॉडल 36 मॉडल मांगता है। यस यस, एड्रेस ठीक बोला है ना? यस डॉक्टर राज सेठ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। इट्स सो हॉट। हेलो, आपको किससे काम है? डॉक्टर सेठी है। लेकिन आप कौन है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। नाम है रोशनी। रोशनी या रोशन? वेल, प्यार से लोग हमें रोशन भी कहते हैं। लगता है ये वही है जिसका कार्ड राज के जेब से मिला था। आपको राज से क्या काम है? काम मुझे नहीं, काम उनको हमसे है। हम तो सिर्फ अपनी अदाओं का दाम लेते हैं, 200 रुपया घंटा। लच्छो डाले, क्या है, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। अरे लच्छू, देखो मेरी जबान तो कितनी साफ है। देखो आज एक माइनर सर्जरी है, इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो प्लीज। बस बस, बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता चल गया तुम्हारे रोशन के बारे में। फ्रीज, मुझे लगता है गुल्लू ने इसे हमारे मैरिज एनिवर्सरी के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे पर डार्लिंग, इसमें नाराज होने की क्या बात है? आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम फन। ये चॉइस है तुम्हारे फन का? 200 रुपीज पर आवर। अरे पर 200 रुपीज पर आवर बहुत रीजनेबल रेट है। क्या ठीक है, तो तुम्हें मंजूर नहीं है तो कुछ और अरेंजमेंट कर लेता हूँ। हाउ डेयर यू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? समझ से मतलब। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। देखो मैं जानता हूँ मैं तुमको ये बताए बगैर सब कर रहा हूँ, बट लच्छू यू मस्ट लर्न टू अप्रिशिएट द स्पिरिट बिहाइंड दिस। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये हरकत अप्रिशिएट करूं? आई सपोज सो। हद है बेशर्मी की, आई एम गोइंग। अरे अरे, इसमें शर्म की क्या बात है, बेशर्मी की क्या बात है, आजकल सभी करते हैं, और फिर हम कोई बूढ़े थोड़ी हुए। तुमसे तो बात करना बेकार है, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे मत आना। अरे लच्छू, गो टू हेल। यू गो टू हेल। ओके, आई विल गो टू हेल। हेलो, हाँ? जाओ जाओ, सोचो मत। लच्छू, ये Are you Mr. Raj? Who's Raj? Oh yeah, I'm Raj. You're quite handsome. Yeah. तुम्हें उसे क्या मतलब है? Come on, let's start. We're getting very late. बोलो कौन सा पोज लेना है? बैठे हुए? पोज? खड़े हुए?
लेटे हुए। मिस मिस देयर इज अ मिस्टेक, मैंने आपको यहाँ पर नहीं बुलाया है, समझी आप? मैं तो क्या ये नाम और एड्रेस मेरे सपने में आया था? नो एक्सक्यूज मी स्टॉप एक्सक्यूज मी डॉक्टर सेठी, इसको इधर में हम बुलाया था। तुमने बुलाया था? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, तुम्हारे खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, तुमने सैंपल को क्यों बुलाया? नो सैंपल ओके ठीक है। मॉडल शी इज अ मॉडल, हम लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में इसको आर्ट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलता है? तुम हमको कॉपी करने की कोशिश मत करो, बहुत लफड़ा होगा। आर्ट ऑब्जेक्ट बराबर है, तुम्हारे जैसा पेंटर होगा तो आर्ट तो ऑब्जेक्ट करेगा ही। Yes, कभी कभी मुझे भी सरप्राइज होता है इनकी पेंटिंग देखकर कि ये क्या चीज है, रंगरेज। सोचता होगा कि हम ऐसा पेंटिंग कैसे बना ले? नहीं, हम ये सोचना होता है कि तुम ऐसा पेंटिंग कैसे वास्ते बनाता है। जीजा जी आप मेरा इको निकाल रहे क्या? चिल्ला रहा ना, चुप बैठना। जीजा जी बोलो क्यों फटे हुए बांस की तरह चिल्ला रहा है, क्या हुआ है? जीजा जी गुड्डी स्कूल में नहीं है क्या? हाँ, मैंने चपरासी को पूछा तो उन्होंने कहा उनकी माँ आ गई, उसे ले गई। उनकी माँ नहीं, मेरी दीदी ना। शट अप। देखा मिस्टर व्हाट, तुम्हें अपने घर में पनाह देकर मेरी वाट लग गई है। वाट? सो व्हाट? सो नथिंग। मलाई कोफ्ता बनाएगा और रोशनी को तुम्हारा वाइफ बना के तुम्हारे डॉक्टर के सामने हाजिर करेगा। ए माइंड योर टंग जनम, ये औरत मेरी दीदी की जगह नहीं ले सकती। बोलो। मेरी औरत बन सकती है। शराब तुम और तुम्हारी दीदी दोनों म्यूजियम में रखने के लायक सैंपल्स हो तुम लोग। देखो जीजा जी, आप उनके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, समझे? जीजा जी कल से मैं कुछ काम नहीं करूंगा। बात करो। अगर आप डूब रहे होंगे ना तो मैं रस्सी भी नहीं फेंकूंगा। अरे गुल्लू तुम्हारी फेंकी हुई रस्सी पकड़ने से अच्छा तो मैं डूबना ज्यादा पसंद करूंगा। तो जीजा जी शराब, डॉक्टर दस्तूर जब यहाँ पर आएंगे तुम बाहर नहीं आओगे, उनके सामने लोचा नहीं मारोगे, अपने कमरे में बैठे रहोगे, अंदर से कमरे को लॉक कर दोगे। शराब शराब ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तुमसे कुट्टी। रोशनी रोशनी आर यू रेडी टू प्ले हिज वाइफ? व्हाई नॉट, 10 रुपया पर आवर। और दस्तूर के खाते जीजा जी ने मेरी दीदी की जगह उस रोशनी को दी और मुझे कहा उस बॉस के सामने नहीं आना, मैं नहीं आता। ये है पेट साफ करने की दवा, डॉक्टर के सूप के बाउल में। पूरा पेट साफ कर दूंगा। और ज्यादा नमक ये मलाई कोफ्ता में, डॉक्टर साहब के लिए। बुल्लू आज के दिन हमारे यहाँ पर क्या कर रहा है लॉर्ड साहब की तरह? आज का अखबार पढ़ रहा हूँ। अच्छा सुन, खाना तो बना लिया है रोशनी ने और वो मेरे जेम्स वॉट ने, तू कम से कम सर्व तो करेगा कि नहीं? हाँ जरूर करूंगा। वेरी गुड बॉय, और एक ध्यान में रखना, लोचा नहीं मारना डॉक्टर दस्तूर के सामने। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मैंने तो पहले से मार के रखा बड़ा लोचा। आपका मलाई कोफ्ता बहुत ही टेम्पटिंग है। प्लीज सर, नो फॉर्मेलिटीज, आप ले लीजिए पेंटर साहब। अरे आपको ये नहीं मलाई कोफ्ता डबल क्वांटिटी में बनाना चाहिए था, मतलब आपको इतना अच्छा लगा सर, और लीजिए ना। नहीं नहीं, ये इसके अंदर इतना नमक डाला है कि डबल क्वांटिटी बनाते तो नमक स्प्रेड आउट हो जाता था ना। तुमने मेरा कपड़ा खराब किया, एक तो डबल नमक वाला मेरे को ये मलाई कोफ्ता खिलाया, ऊपर से ये मेरा कपड़ा पड़ गया। नहीं नहीं, मारी बात तो समझो ना।
देखो ना ये क्या आपके घर के अंदर वो टॉयलेट है ना, है ना, किचन के बाजू में रखा है। आई आई मैं दिखाता हूँ, पेट के अंदर घटल गु घटल गु हो रहा है ना। अरे तुम अभी आ रही हो? शट अप। ये कौन है? ये वो हमारे पेंटर है ना, व्हाट, उनकी मिसेज है ये। राज? राज नहीं, कोई नहीं, कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे, फर्स्ट नेम पर एक दूसरे को एडजस्ट। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना राज? शट अप, शट अप रोशनी। रोशनी हाँ, कुछ नहीं, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे सीनियर हैं, डॉक्टर दस्तूर। नमस्ते लक्ष्मी, डॉक्टर दस्तूर के लिए आइसक्रीम ले। नहीं नहीं, अभी आइसक्रीम नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए। जाती हूँ। अरे तुमको किधर बोला, इसको बोला? हाँ, इनका भी नाम लक्ष्मी है। अच्छा, शादी के पहले लक्ष्मी था। डॉक्टर साहब, इधर आजू बाजू के अंदर कोई अच्छा डॉक्टर है क्या? अब मुझे कुछ नहीं सुनना है राज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे कैसे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाय बेवफा। कट द ड्रामेटिक्स आउट, ओके? ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मेरी बेवकूफी? और नहीं तो क्या, वो कार्ड जो तुम्हें मेरी जेब से मिला था, मिस रोशन का था। वो रोशन कौन है बता? इवेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से काम करती है वो हमारे शादी की 11वीं सालगिरह किसी स्टीमर पर ऑर्गेनाइज कर रही थी। क्या? हाँ, क्या क्या की बच्ची। और वो रोशनी जिसे तुमने रोशन समझ बैठा था, वो एक एड एजेंसी से आई थी मॉडलिंग करने, मिस्टर वॉट के लिए, मेरे लिए नहीं, समझी? लेकिन अब तो तुम्हारी लच्छो वो है ना। अरे वो तो एक नाटक करना पड़ा मेरे डीन डॉक्टर दस्तूर को दिखाने के लिए। नाउ कम ऑन, बी अ गुड गर्ल, और ये थोड़ी देर के लिए तुम भी ये नाटक निभाओ, समझी? ओके ओके, लेकिन मुझसे वादा करो, वादा, ऐसा नाटक फिर कभी नहीं करोगे? कभी नहीं करूंगा। मेरे सिवा दूसरी औरत के सामने पेट खाली हो गया नहीं देखोगे? अरे नहीं देखूंगा भाई। वक्त आने पर मेरे लिए जान दे दोगे? हाँ, वक्त आने पर तुम्हारे लिए जान। अरे जब जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है तो जिंदा रहकर क्या फायदा? मजाक था, मजाक। डॉक्टर राज, लफड़ेबाज। मेरे बॉस। रहने दो ना। अरे मेरे बॉस, डॉक्टर दस्तूर। ओह नो, ओह नो, ये तो लगता है बहुत जोर से। डॉक्टर राज, मैं तुमको शरीफ आदमी समझता था। मैं तो आज भी आपको शरीफ आदमी समझता हूँ सर। तुम करेक्ट समझा था, गलती मैंने की थी। मैं तुमको हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाने वाला था, लेकिन तुम्हारा ये कैरेक्टर। सर आपको गलत फहमी हुई है सर। मेरे को कोई फहमी नहीं हुई है, मेरे को मालूम है कि तुम्हारा ये कॉलेज का लफड़ा है, लेकिन अभी ये तुम्हारे दोस्त का बीवी है ना, तो तुमको रिश्तों की कदर करनी चाहिए कि नहीं? सर आप गलत समझ रहे हैं सारी बात को। सर मैं क्या, तो तुम मेरे को क्या बेवकूफ? ये मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ सर? शट अप। जो समाज के अंदर रिश्तों की कदर नहीं करता है, वो समाज खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। हाँ, तुम्हारे बीवी का नाम क्या है? लक्ष्मी। हाँ, उसको हम सब कुछ बताएगा। लक्ष्मी। यस सर। तुमको नहीं लफड़ेबाज औरत, लक्ष्मी उसको ऐसा ऐसा करती है, बताएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी। देखा, अब तो चलो ना राज। रोशनी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तुम हमारे साथ शादी करेगा? What? तुम सच बोलते हो? What? I really mean it. I mean it. Will you marry me? Yes, what? I'll marry you. What? रोशनी. What? रोशनी. रोशनी. What? Oh my God! ये मैं क्या देख रहा हूँ? ए खुदाए, ये संसार का क्या होएगा? ये सब क्या घोटाला है सर? मैं जब से यही तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लक्ष्मी यानी ये है मेरी बीवी। तो फिर वो मेरा बेटा, ये कौन है? ये आम्र होने वाला बीवी है, रोशन, she's a model। ए खुदा, ये क्या लफड़ा है सब समझ नहीं। लेट मी एक्सप्लेन, मैं डिटेल में आपको बयान करता हूँ। क्या है कि मैं अपनी यानी मेरी और लक्ष्मी की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मैंने रोशन से कहा। राज, कट इट शॉर्ट। शॉर्टकट। अब समझे आप सारी बात सर? अच्छा तो ये बात है। yes, चलो हमने तुम सबको माफ किया। थैंक यू, थैंक यू। अरे मरी गए, अरे मेरे को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आपके इस बीमारी पर मेरे पास इलाज है। क्या इलाज है? देखना, यही है टमाटो सूप।